अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के पहली प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को आईसीआर रोड स्थित श्री श्याम सेवा समिति भवन में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मारवाड़ी समाज की राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा बथवाल एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व अध्यक्षा रूपा अग्रवाल, जया डोकानिया, अरुणा जैन, लता अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्षा मंजू खंडेलवाल, प्रदेश सचिव प्रभा पाड़िया उपस्थित थी। कार्यक्रम की शुरुआत ओम के मंत्रोच्चार के साथ की गई, जिसके बाद सम्मानित अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की गई, जिसके बाद बाल कलाकारों के द्वारा गणेश वंदना, स्वागत गीत और वंदे मातरम की प्रस्तुति की गई, जिसके बाद गरेड़ी की अध्यक्षा तुलिका सरावगी ने स्वागत भाषण देते हुए सभी का स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्षा मंजू खंडेलवाल ने अपने संबोधन में कैसे मारवाड़ी महिला संगठन तन मन धन से देश और समाज को आगे ले जाने की बात कही। बैठक के दौरान कोषाध्यक्ष के द्वारा आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान गाकर किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में रीता संथालिया, ज्योति बगड़िया, बरखा डंगैच, रानी केडिया, सुषमा जैन, सुमन गौरी सरिया, कविता रसगड़िया, रेनू मुसद्दी, उषा डोकानिया, माला डोकानिया, नेहा जैन, श्रीदेवी सरावगी समेत अन्य सदस्यों की सराहनीय भूमिका रही। हमारी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि बड़ी महिलाओं के तन मन धन को संगठित करके हम लोग देश और समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी ढंग से लगा सकें। इसी के प्रयास के लिए हम लोग पूरे देश में प्रयासरत हैं और हमारी 19 स्टेट में शाखाएँ हैं और साथ ही 27,000 के करीब अब बहनें हो गई हैं। इसी सत्र में हम लोग के यहाँ 20 शाखाएँ नहीं खुली हैं। एक देहदान हो गया है, जो कि देहदान बहुत कठिन काम है। उसके बाद स्किन डोनेशन भी हुआ है सैनिकों के लिए, राखी देहदान एक हो चुका है 3 महीने के अल्पकालिका है। इसके बाद सैनिकों के लिए हम लोगों ने 2.5 लाख राखियाँ बनवाई हैं अपने सम्मेलन में, और वो जो है सीमा पे 2 लाख पहुँच हो चुकी है। हम लोगों ने जगह जगह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ले जाके सबको सौंपा है। वर्मा बॉर्डर पर भी जाके बहने राखी बांधने गई हैं। अब हम लोग के बाहर की 2 लाख राखियाँ वितरित हो चुकी हैं। अब 50,000 राखियाँ जो बची हैं वो शाखाएँ अपने क्षेत्र में उसको छावनियों के माध्यम से सैनिक छावनियों में जाकर खुद राखी बांध के एक उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करेंगी। इसको भी हम लोग काम करेंगे बस के लिए। और साहित्य सेवा समिति तो है ही हमारे यहाँ, तो बहुत ही आध्यात्मिक चिंतन राष्ट्रीयता और आध्यात्मिकता सत्र इसका नाम है, इस हमारे सत्र का नाम है। तो मैंने उसी हिसाब से कर रही हूँ। राष्ट्रीयता में अभी हम लोग वो 2.5 लाख राखियाँ जो हम लोग बनाए हैं सैनिक भाइयों के लिए, उसके बाद हम लोगों ने तुरंत अभी अपनी साहित्य सेवा समिति को बोला है कि वो तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा पर कविताएँ लिखे। 13 अगस्त को जो केंद्र सरकार के द्वारा उस पर भी कविताएँ लिखेंगे सब, ताकि हमारी बहनों में भी जोश है और हम लोग दूसरों में भी जोश भरवा सकें और तिरंगे के प्रति उनका सम्मान बढ़े अपने देश के प्रति। और आध्यात्मिकता पर भी हम लोग परसनाथ से भी लेकर आशीर्वाद आ रहे हैं। और आध्यात्मिकता सबसे बड़ा हमारा काम है, जिसपे हम लोगों को सिखाएंगे कि धार्मिक और अलग चीज़ है और आध्यात्मिक अलग होती है। हम लोग धार्मिक हैं लेकिन हम लोग आध्यात्मिक हैं और हम लोग को धर्म को फिर से सोचना होगा। मैं तुलिका सरावगी, गिरडी शाखा अध्यक्ष, सभी को नमस्कार करती हूँ। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि 22 वर्षों हमारे शाखा का गठन हो गया है, लेकिन प्रथम बार कार्यकारिणी बैठक में हम लोग को होस्ट करने का मौका मिला है। इसमें मारवाड़ी सम्मेलन की सबसे जो वरिष्ठ सदस्य है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय सचिव है, प्रांतीय अध्यक्ष है, प्रांतीय सचिव और जितनी भी गणमान्य पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय सचिव और हमारे 200 क्या नाम है स्नेही बहनें हमारे आई हैं। इसका मतलब एक ही यहाँ उद्देश्य है कि मारवाड़ी समाज को बहुत मजबूत करना है, मारवाड़ी समाज के संस्कारों को बहुत मजबूत करना है और भिन्न जरूरतमंद गरीबों की सेवा करनी है और हमारे समाज के जितने भी मतलब हम लोग को जोड़ना है, एकजुटता से हम लोग को जोड़ना है, यही समाज का ही मकसद है। ये साल में दो बार होती है, जिसमें गिरडी शाखा को आज पहली बार अतिथि का मौका मिला। धन्यवाद।